नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई सऊदी अरबिया से रिलेटेड। जी हाँ भाई, सऊदी अरबिया आपको पता है रमज़ान का महीने में सबसे गल्फ कंट्रीज में अगर बात करें तो सबसे सख्त कंट्री और शुरुआत वहीं से होती है। इस्लाम से संबंधित मान लीजिए उस पर हम बात नहीं करेंगे, पाक महीना जिनको बोल सकते हैं, रमज़ान का पाक महीना और वो भी सऊदी अरबिया में। जी हाँ, एक बड़ी बात होती है, आप सबको पता ही है। लेकिन इस पाक महीने में बता दूं 24 लोगों को गिरफ्तार किया पुलिस ने। जी हाँ, और ये लोग कौन थे बता दूं, ये पाकिस्तानी लोग थे। सबसे बड़ी बात ये है कि 24 पाकिस्तानी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। जी हाँ, अब भाई पाकिस्तानी अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये चीज़ दिमाग में जहन में बिठा लेनी चाहिए कि क्या कर रहे हो भाई। रमज़ान जैसे पवित्र महीने में बता दूं 24 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार करना कोई छोटी बात नहीं होती है, और ये लोग इतना ज़्यादा फ्रॉड कर रहे थे कि आप सोच नहीं सकते। इसी तरह के रोज़ वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके शेयर, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज़ आपको सऊदी से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। 24 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार करने का रीज़न क्या था इनके पास से? गिरफ्तारी के समय बता दूँ 73 मोबाइल फ़ोन इनके पास से निकले। जी हाँ, लगभग 70,000 रियाल इनसे जब्त की गई है। 70,000 रियाल कम नहीं होती है भाई, छोटी बात नहीं है। और रमज़ान जैसे महीने में ये लोग क्या कर रहे थे बता दूं, ये लोग लोगों को लूटने का काम कर रहे थे। कैसे लूट रहे थे? फ्रॉड कर रहे थे लोगों के साथ, बैंक से संबंधित लोगों के मोबाइल पे मैसेज भेज रहे। अरे भाई, ये लोकल सऊदी लोगों को लूट रहे थे, ये देखिए कितनी बड़ी बात है। चलो ये पाकिस्तानी थे, इंडियन के साथ में बांग्लादेशी और लोगों के साथ चीट कर ले चल जाता है, लोकल सऊदी लोगों के साथ वो भी फर्जी नोटिस भेज भेज के उनके घर पे नोटिस भेज रहे थे, घर पे डरा रहे थे उनको कि इलीगल एक्टिविटी में कहीं ना कहीं ये लोग क्या करते, जैसे बैंक अकाउंट में अपडेट के नाम से उनके पास कॉल करते कि आपको बैंक अकाउंट अपडेट करना है, वो इंडिया जैसा माहौल। और ये इंडिया में भी भाई सबसे बड़ा केबीसी का अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, ये वो आपने 10 लाख जीते, 25 लाख जीते, जितने भी कॉल आ रहे हैं सब पाकिस्तानी कॉल आ रहे हैं। आप उनकी वॉइस से पता लग जाता है यार, बहुत सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास भेजती है, वॉइस सुनते ही पता लग जाता है ये बंदा पाकिस्तानी है। वो पाकिस्तानी नंबर से कॉल करते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर लेते हैं। इंडिया में तो ये कर ही रहे थे, ये वहाँ जाके वहीं लोगों के साथ उनका ही खाना, उनका ही पीना, उनके देश में रहना और उनके साथ उनकी ठगी करना। 24 लोगों को पुलिस ने पकड़ा, फोटो भी देख सकते हैं। हालांकि भाई गल्फ कंट्रीज हैं, वो चेहरा कम दिखाना पसंद करते हैं, बैक साइड से आप देख सकते हैं पूरे टोटल 24 आदमी है। जी हाँ, लोकल और भी लोगों को बैंक अपडेट के नाम से कि आपका अकाउंट बंद हो रहा है, आपके पास मोबाइल पे मैसेज आया है, आप नंबर दीजिए वगैरह, इस तरह से भी ठगी का काम कर रहे थे। प्राइज मनी के नाम से जो केबीसी वाला इंडिया में चला रखा है, पाकिस्तानी लोगों ने बहुत सारे लोग ठग लेते हैं, सेम वही प्राइज मनी कि आपके इतना प्राइज निकला है, आप हमें वो OTP दे दीजिए, हम आपके अकाउंट में पैसा डाल देते हैं। इस तरह से बता दूं 350 करोड़ रियाल का ठगी किया है सऊदी अरबिया में। 350 करोड़ रियाल कम नहीं होता भाई, कितना होता है इन लोगों पे निकला। इनकी उम्र की बात करें तो सभी लोग 30 साल से 40 साल के बीच में ये पाए गए। जी हाँ, और सऊदी के लोगों को ठगने का तरीका देखिए, कहीं ना कहीं पहले उनकी पूरी बायोडाटा ले निकालते, पूरी जानकारी निकालते, फिर उनको फर्जी नोटिस भेजते, फर्जी नोटिस के बहाने उनसे पैसा निकालने की कोशिश करते हैं लोग। और पुलिस को शिकायत दी गई तो 24 लोगों को पाकिस्तानियों को पकड़ा भाई। तो भाई आप सोच लें, समझ लें, एक तरफ सऊदी इंडिया के लोग सऊदी पुलिस द्वारा सम्मानित किए जा रहे हैं, आप फोटो में देख सकते हैं यार, समझ रहे हो, ईमानदारी की वजह से। आप लोग क्या कर रहे हो भाई, पाकिस्तानी लोग हो, कुवैत ने बैन करके रखा, सऊदी ने बैन करके रखा, दुबई में ने बैन करके रखा, कहाँ जाओगे फिर आप? इस तरह की एक्टिविटी, मैं नहीं कहता सब पाकिस्तानी गलत हैं, लेकिन आपके ही कुछ लोग गलत करने की वजह से आपको उन देशों में बैन किया जा रहा है। एग्जाम्पल आप उठा के देख सकते हैं, पीछे का देख लो भाई, क्या होगा आप लोगों का। यूएई दुबई कोई पाकिस्तान का सबसे सहयोगी देश था, बैन करके रखा, आज कितने महीने हो गए, आप लोगों को वीजा तक नहीं देती वो कंट्री, क्यों नहीं देती? कोई ना कोई तो कारण होगा ना, कुवैत कहाँ वीजा देती है आपको, सऊदी भी कहाँ वीजा देती है। तो ये थोड़ा आप देख लो भाई, आप ही के बंदे आप ही को मार रहे हैं। इंडिया लॉ वालों को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये नुकसान आप लोगों को होने वाला है आगे आने वाले टाइम पे, क्योंकि जैसे जैसे क्राइम रेट पाकिस्तानी लोगों का आपका बढ़ता जाएगा जिन जिन देशों में, वैसे वैसे आपके ऊपर शिकंजा धीरे धीरे कसता जाएगा, तो फिर आपका जॉब, आपका ये, आपके सपने सब खत्म हो जाएंगे। बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, समझाओ अपने लोगों को कि ऐसा ना करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय